गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 10:15 बज रहा है और मेरी सब्जी बन गई। मैंने आज कद्दू की सब्जी बनाई और मैं सोच रही हूँ कैंटीन जाती हूँ तो देखती हूँ मैं क्या क्या वीडियो बनाती हूँ वहाँ पर भी कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर भाई मेरे बस की बात नहीं होती पब्लिक प्लेस पर इसलिए। और मैंने कंघी कर ले, बाल कितने चिपकू चिपकू से लग रहे हैं। कल काजल लगाया था, अभी छूटा नहीं है, इनसाइड का है अभी छूटा नहीं है। तो देखती हूँ मैं रेडी होती हूँ और सब्जी बन गई है। दूध वाला भी आया नहीं है, दूध वाले भैया तो दूध का डब्बा मैं रख दूंगी बाहर क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, जल्दी आ जाऊंगी। बाकी देखते हैं, जो है जल्दी आ जाऊंगी मैं। तो देख लीजिए मेरी कद्दू की सब्जी, कलर देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया आया है, पक गई है। बस थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ जो है तो। और ये बाथरूम में है, नहा रहे हैं, सुबह 5 बजे गए थे, अभी आ गए हैं, फिर अभी दोपहर में जाएंगे। तभी आए तो इसलिए सोच रहे हैं कि आ जाते हैं, क्योंकि मेरा सामान लेके नहीं आए थे, इसलिए कुछ कुछ आया था, आई मीन कुछ कुछ क्या कॉस्मेटिक का आया था, तो मैंने सोचा क्यों मैं देख लेती हूँ। मैंने इनसे बोला, बोले नहीं मेरे को समझ में नहीं आता, लेके आ जाओ तुम लेके आना। तो मैं पहनूंगी अगेन मदर जॉगर, उस दिन मैंने पहना था बट थंबनेल में पिक लगाई थी बट मैंने दिखाया नहीं था अपना फुल लुक। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं दिखा दूं, और पीछे पूरा फैला के रखा है बेडशीट, सुबह क्लीन किया, बट लेकिन सामान तो फैल ही जाता है। और हेयर वॉश मैंने कल ही किया लेकिन चिपकू चिपकू से लग रहे हैं। तो काजल की वजह से मुँह कितना अजीब लग रहा है। इयर रिंग्स मैं चेंज कर लेती हूँ, कल मैंने डाले थे तो आज मैं ये निकाल देती हूँ, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो चलो रेडी होते हैं। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी और मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी, और ये पैंट मुझे लूज़ है, काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, डोरी तो लगी है बट मुझे लूज़ है काफ़ी ज़्यादा जो है। तो मैं अपने पोज दे रही थी, मेरे पोज बहुत गंदे हैं, माइंड मत करना। तो मैं यहाँ पर रेडी होकर के जा रही हूँ। आज मैंने ये रबड़ बैंड लगाई, मेरे पास बहुत टाइम से रखा था तो मैंने लगा ली। तो अभी मैं कैंटीन जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और पहुँच गए हैं वहाँ पर। भाई बहुत भीड़ होती, मतलब लिटरली मैं कभी जाती नहीं हूँ, कल तो बोल रहे थे ये कुछ भी भीड़ नहीं है, जो है अदर डे बहुत भीड़ होती, मतलब बहुत भीड़ होती। तो मैंने कुछ कुछ सामान लिया है और ये हम लोग सामान ले करके क्या कहते हैं कि बिलिंग करवा के बाहर आ गए थे। तो मैंने इतना क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं वेजिटेबल लेंगे। तो अंदर ही वेजिटेबल लिया है और जो है वेजिटेबल लेने के बाद में फिर बाहर गए क्योंकि अमरूद अंदर नहीं मिले थे, तो अमरूद लेने गए थे क्योंकि मेरे पुत्र जी को अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद हैं इसलिए। और ये वेजिटेबल की शॉप पर खड़े थे, अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर, बाहर से सिर्फ और सिर्फ अमरूद लिया, अमरूद लेने के बाद हम लोग वापस आ गए। और मेरा आउटफिट आप लोगों को कैसा लगा, मुझे लगा दिखा देना चाहिए आप लोगों को, तो वही मैंने दिखा दिया। और मुझे मेरे बाल इतने फ्लैट हैं बट मैंने पोनी बनाई तो मुझे ये रिबन बहुत क्यूट लगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे नहीं पता बट मुझे पर्सनली मुझे बहुत क्यूट लगी। बस मेरी रबड़ बैंड थोड़ी सी लूज थी तो मेरी पोनी खिसक रही थी, थोड़ी हाई पोनी बनाती तो आई थिंक ज़्यादा सुंदर दिखती। और मैं यहाँ पर कुछ कुछ बातें कर रही थी इनसे, ये देख लीजिए मैं दिखा भी रही हूँ कि मैंने आज ये वाली रबड़ बैंड लगाई है और काफ़ी टाइम से मेरे पास ऐसे रखी थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। मैंने इनको दिखाया तो बोले ठीक है अच्छी लग रही है, तो मैंने लगा लिया था जो है। पड़ेगा मैं आ गई हूँ, बंद करो फोन अपना थोड़ा। तो मैं कैंटीन से आ गई हूँ और हम दिखाते हैं इसका कहाँ कार्डबोर्ड इसका वो फेंक दिया, ये और सामान कहाँ रखा, बाकी बैग में है क्या, हम ऐसे दिखाने बैठ गए। मैं दिखाती हूँ अपने लिए क्या लेके आई हूँ। मैं लिपस्टिक तो लेके आ गई हूँ बट पता नहीं शेड नंबर अच्छी लगेगी कि नहीं, ये मैं देख रही थी बट बहुत डार्क, मैं इतनी डार्क लगाती कम हूँ, ये आई थिंक अच्छा लगता है बट एक लेके आई हूँ ये। उस दिन बहुत सारा सामान था लेकिन ये लेके नहीं आया मेरे नेल पेंट, क्योंकि इनको सेलेक्ट करना ही नहीं आता। और एक ये लंच बॉक्स लेके आए हैं अपने लिए, और मेरा ये फेशियल किट है, और ये मैं लेके आई हूँ ब्लेंडेड। हाँ तो इसमें 2300 का, 2400 का, 900 का, ये 1450 लिखा है, 900 का, 950 का लंच बॉक्स, क्योंकि मेरे पास था नहीं है। हम लोग अरे यार भाई कहाँ से ठीक लगा, मलाई बनाने के लिए लगता है, कुछ कुछ मिक्स करने के लिए लगता है, तो होना चाहिए घर पे। दिख गया भाई लकड़ी आता है कैंटीन में आता है। ये दो तरह के हैं, ये है मेरे को मेन्यू होगा, इसमें मेन्यू कार्ड,
मैं दिल संभाल के रखना ठीक है। हाउ टू फिट, तो ये देख लीजिए हमने फिक्स कर लिया, ये ऐसे चलेगा यहाँ से ऑफ ऑन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होगा, मेरे पास नहीं था। अभी मैं धीरे धीरे ओटीजी आएगा ओवन तब लूंगी मैं ओवन 100% मैं लूंगी ओवन। इसमें मेन्यू कार्ड दिया है, वारंटी भी है इसकी। तो एक ये मैं लेके आई हूँ, मलाई बनाने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अच्छा है। और इनका लंच बॉक्स भी है बहुत अच्छा है, ये मिल्टन का है, गर्म हो जाएगा। बट मेरे को वो चाहिए था बाउल जिसमें वो कांच भी होती है, लेकिन ये सही है ज़्यादा, क्योंकि गिर जाए तो टूटने का डर नहीं है, अच्छा है और बड़ा भी है। यूज कहीं ऐसा ना हो और बोल दें हम लेके जाएंगे। तो मैंने अपना यहाँ पर ब्लेंडर यूज़ किया है, मैंने सोचा क्यों ना यूज़ करके दिया यूज़ किया जाए मीन, और बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, क्योंकि आप कुछ भी लेते हो तो फर्स्ट टाइम यूज होता है, तो मैंने यूज़ किया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तभी शाम का आई थिंक 7:45 बज रहा है और मैं सो गई थी, बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी से, मुझे इतनी तेज़ वाली नींद आई। मैं हाथ मुँह धुल के थी बत्ती करके आई हूँ, मुझे इतनी तेज़ वाली नींद आई। और ये ड्यूटी गए हैं शाम को, और मेरे बेटे को भी बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ वाली नींद आई जो है, तो वो भी सो गया। अभी वो सो रहा है, मैंने उसको उठाया नहीं, मैं आके किचन में चाय बना रही हूँ जो है। और इतनी तेज़ वाली बारिश हुई थी, इतनी तेज़ वाली बारिश हुई थी कि क्या है। और ये आज मैं इनसाइड की लिपस्टिक लेके यार बहुत अच्छी दिख रही हैं, मैंने इसको क्या बोलते वहीं ट्राई किया था, ट्राई करने के बाद आके घर में काम किया है, बर्तन धुले के बाद मैंने हैंड वॉश किया, तो मैं छुटा रही थी पर छूटी नहीं। और अभी फिर से मैं हैंड वॉश करके हैं जो है आई हूँ, और मैंने इसे ऐसे से करके घिसा भी है लेकिन छूटी नहीं है, तो मुझे लग रहा। और प्राइस भी यार, और कलर थे नहीं, अदरवाइज मैं ले लेती, मैं इसमें सिंगल एक कलर लेके आई हूँ बस, नहीं तो और मैं ले लेती, और नेल पेंट वगैरह कुछ था नहीं तो मैं ले। बाकी इन साइड का ही तो मैं वो प्राइमर और वो इस करेक्टर, स्किन करेक्टर वगैरह जो होता है क्या बोलते कंसीलर, वो ही यूज़ कर रही हूँ मैं, कैंटीन से लेके आई थी, बहुत बढ़िया था। और चाय बन रही है मेरी जो है, तो चाय पियेंगे। और कभी कभी सच में बहुत नींद आती है। ये वाली इडली यार क्या कहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, पता नहीं मेरे से अच्छी बनी नहीं थी, फूली नहीं थी, बहुत हार्ड हार्ड सी बनी थी, तो इस बार भी लेके आए हैं, देखूंगी मैं बना करके, देखती हूँ कैसे बनी बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। चलो चाय बनाते हैं अपनी। तो मैं यहाँ लंच रेडी कर रही हूँ, साथ साथ में फिर अपना किचन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैस करके रखा था, तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रबर से वो किया है। अब मैंने ये देखा, आप लोग देख सकते हैं क्या हाल हो के रखा, पूरा मैंने यहाँ पर ऐसे फैला के रखा है। तो मैं इसको, खाना मेरा बन गया है, बस कुकर में सीटी निकलना बाकी है, तो भाई मैं क्लीन कर रही हूँ, साथ साथ हाथ लगे हाथ आई मीन क्लीन करते जा रही हूँ, तो अच्छा है मेरे लिए। चलो पहुँच लेते हैं, आई मीन सब क्लीनिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा मैस हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक मिनट बेटा सारा कुछ क्लीन कर दिया अच्छे से, ये देख लीजिए आप लोग, मैंने पूरा सेट किया है। अभी जो कुछ कुछ फैला था वो मैंने सारा कुछ सेट करके रख दिया है, बाकी ज़्यादा अलमीरा वगैरह नहीं तो उतना सामान सेट नहीं हो पाता है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी जैसे मैगी मसाला है, ये सारी चीज़ें जो है, तो यस मैंने सेट कर दिया है सारा कुछ। और ये नीचे का भी मैंने पूरा गैस वगैरह क्लीन कर दिया, ये पालक थोड़ी रखी है, वेट इसमें दूध रखा है, इसको अभी हथर पियेंगे तो दे देंगे, सारा कुछ क्लीन हो गया है। और ये बेसिन भी मैंने पूरा अच्छे से नीट और क्लीन कर दिया, और बाहर बारिश हो रही है तो बाहर मैं बारिश नहीं दिखा सकती हूँ, ये मैं यहाँ बर्तन रखती हूँ धुल करके, तो ये मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इस साइड का भी मैंने अलमारी पूरा थोड़ा सा बहुत हौच पौच मैस हो रखा था, तो वो सारा मैंने क्लीन किया है, ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी। और शाम को मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, बर्तन बहुत हो गए थे मेरे, खड़े खड़े एड़ियों में दर्द हो गया,
चलो गुड नाइट, सुबह मिलेंगे आप लोगों से। देखती हूँ अभी, अब तो रात हो गया, सोएंगे।